श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी को पता है कि आंवला नवमी का बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है ये। इस दिन जो भी आप अच्छे कार्य करते हैं उनका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलता है। कार्तिक माह में पड़ने वाला यह आंवला नवमी का दिन बहुत ही विशेष हो जाता है दोस्तों, और इस विशेष दिन पर जब भी आप कुछ भी अच्छा करते हैं बहुत अधिक इसका आपको पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। आंवला नवमी पर जो है एक छोटा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हरिहर महादेव के नाम से करना है आपको। हरिहर महादेव के नाम वाला यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, ये जान लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और जो उपाय है वो बताने वाली हूँ, जो कि गुस्सा, क्रोध, बीमारी या किसी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति के जीवन को परेशान करती हैं, इन चीज़ों के लिए है। तो इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे से उपाय, कुछ जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाली, जो कि आंवला नवमी के विशेष दिन पर आपको करना ही चाहिए दोस्तों। और अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपको जो है आपकी आयु बढ़ जाती है, आपका जीवन जो है वो सुख समृद्ध हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है, आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। आंवला नवमी यानी आंवले का जो वृक्ष होता है वह पूजनीय माना गया है, आंवले के फल को जो है अमृत तुल्य माना गया है। तो आंवला नवमी के दिन विशेष करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और हरिहर महादेव वाला उपाय जो है वो मैं आपको बताने वाली दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को आपको लाइक, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि हरिहर महादेव वाला क्या कुछ है इसमें देख लेते हैं। हरिहर महादेव वाला दीपक आपको कब जलाना है, कैसे जलाना है, मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपने लेने हैं मिट्टी के दो दीपक। आप नए दीपक भी ले सकते हैं, पुराने यानी कि जो उपयोग में ले चुके हैं दिवाली से अब तक, किसी भी दिए का आप उपयोग ले सकते हैं। तो आपने लेने मिट्टी के दो दीपक, और इसमें डालना है गाय का शुद्ध देसी घी, है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो घी है वो आपका पिघला हुआ हो, ताकि दीपक आपका अच्छे से प्रज्वलित हो सके। हरिहर महादेव वाला क्यों है दोस्तों, क्योंकि हरि यानी कि नारायण और महादेव यानी कि भोलेनाथ, तो यहाँ दोनों का हम मिलन कराने वाले हैं। आज का जो दिन होता है आंवला नवमी का दिन जो होता है वो हरि और नारायण यानी कि हरि हमारे जो नारायण हैं और महादेव हरिहर महादेव दोनों के मिलन का दिन होता है। और इस दिन आपने अगर ये दो दीपक प्रज्वलित किए तो दोस्तों आपका भाग्य बदल जाएगा। मिट्टी के दो दीपक लीजिएगा, एक दीपक के अंदर आपने रखनी है लंबी बत्ती और दूसरे दीपक के अंदर रखनी है हमें गोल बत्ती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बत्तियों का बहुत विशेष महत्व होता है। एक दीपक में लंबी बत्ती घी के साथ में और दूसरे दीपक में भी घी के साथ में गोल बत्ती रखनी। तो पहला दीपक जो लंबी बत्ती का है वो कहाँ जलाना है, वो जलाना है आपको अपने घर के बाहर। घर के बाहर मतलब यानी कि घर के आसपास जहाँ कहीं भी आंवला वृक्ष है, उस आंवले वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको इस दीपक को जलाना है, जो कि लंबी पत्ती का घी का दिया है दोस्तों। आंवले वृक्ष के नीचे ले जाकर के आपको दीपक को जलाना है। ध्यान रखिएगा कि दीपक के नीचे हमेशा आसन देते हैं, आप चाहे तो काला तिल रख सकते हैं, चावल के कुछ दाने रख सकते हैं, अन्यथा आंवले वृक्ष की जो मिट्टी है आप उसके नीचे रख करके, मतलब मिट्टी को रख करके फिर उसके ऊपर आप दीपक को रखिएगा, क्योंकि कभी भी दीपक को बिना आसन के नहीं रखा जाता, यानी कि जो दीपक है वो सीधा धरती पर नहीं रखा जाता है। एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो धरती माता है वो दो चीजें सहन नहीं करती, एक तो वो जो लोग पैर पटक पटक कर चलते हैं, और दूसरा ये जो दीपक का जो वजन होता है, दीपक की जो आंच होती है, जब उसे बिना आसन के दीपक को ऐसी धरती पर रखकर जला दिया जाता है वो धरती माता सहन नहीं कर पाती है। तो इस एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसको जमीन पर रखने से पहले या तो कुछ अनाज के दाने रखें, या फिर जैसे कि इस उपाय में मैंने आपको बताया आपको आंवले पेड़ की मिट्टी को ही रख देना है और उसके ऊपर आपको इस लंबी पत्ती के घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। और ये दीपक आपको पता है लंबी पत्ती का है, आंवले वृक्ष के नीचे है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेगा। चले अब बात कर लेते हैं दूसरे जो हमारा जो दूसरा दीपक है गोल बत्ती का, इसका क्या करना है। दूसरा दीपक जो गोल बत्ती का है दोस्तों, इसे आपको अपने घर में ही जलाना है, कहीं भी लेकर के नहीं जाना है, घर में, आपके घर में जहां पर भी महादेव का शिवलिंग है वहां आपको ये दीपक लेकर के पहुंच जाना है महादेव के समक्ष, और दीपक को प्रज्वलित करना है। यह उपाय जलाना करना है तो दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और क्या करना है आपको
सेम वही जब आप दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं महादेव के समक्ष, तो इसके नीचे काला तिल रख दीजिएगा। थोड़ा सा काला तिल रख करके फिर आपने दीपक को रखना है, दीपक को आसन देना है और फिर ही इसको आप जमीन पर रखें। तो महादेव के समक्ष आपने दूसरा दीपक जला देना है, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना कहते हुए, और हरिहर महादेव का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, विष्णु जी का लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ये दो दीपक अगर आपने आंवला नवमी के दिन प्रज्वलित कर लिए दोस्तों, तो आप मानिए कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी, आपका जो है वो भविष्य बदल जाएगा, आपका जो है जीवन का दृश्य बदल जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में। तो चलिए, ये बात तो हमारी थी पहले उपाय की, जिसमें आपको हरिहर महादेव के नाम का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय जो है वो क्या है, क्यों है, कैसे करना है और इससे क्या लाभ है। तो दूसरा उपाय जो है वो है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको बार बार क्रोध आता रहता है, गुस्सा आता रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार को किसी की नज़र लग जाती है, बड़ी जल्दी आप लोगों को नज़र लग जाती है, तो यहाँ पर लेनी है काली मिर्च, और काली मिर्च का ये उपाय आपको अवश्य से करना है दोस्तों। क्या करना है इस उपाय में, काली मिर्च का जो यह उपाय है दोस्तों, इसके लिए आपको लेनी है सिर्फ 11 काली मिर्च, पिसी हुई नहीं लेनी है, दाने जो होते हैं काली मिर्च के वो आपको लेने हैं 11 काली मिर्च, गिन करके लीजिएगा कोई गलती ना हो। और वह व्यक्ति जो आपके घर का गुस्सा करता है, क्रोधी स्वभाव का चिड़चिड़ापन है उसके अंदर में, उस व्यक्ति के ऊपर से, है ना, जो बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको 11 काली मिर्च के दाने 11 बार घुमाने हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो आपके घर का गुस्सा चिड़चिड़ापन करने वाला या क्रोधी व्यक्ति है, तो उसके ऊपर से 11 काली मिर्च 11 बार आपको क्लॉकवाइज घुमानी है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घुमा करके आपको ये जो काली मिर्च हैं इनको ले जा करके आंवला वृक्ष, जो भी आपके घर के आसपास में कहीं पर भी आंवले का वृक्ष होगा उसके नीचे आपको फेंक करके आ जाना है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे वो व्यक्ति जो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है या बीमार है, उसकी बीमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि यह उपाय अगर आप किसी और के लिए करते हैं, अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो आपने 11 काली मिर्च के दानों को 11 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी उपाय को आप अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं, आपको किसी की नज़र लग जाती है, बार बार बुरी नज़र आपके ऊपर आ रही है, तो अगर आप इस उपाय को स्वयं के लिए करते हैं तो आपने क्या करना चाहिए, आपने इन काली मिर्च के दानों को 7 बार घुमाना है, 11 बार नहीं, कितनी बार घुमाना है, 7 बार। अपने लिए अगर इस उपाय को करते हैं तो अपने ऊपर से 7 बार इन काली मिर्च के 11 दानों को घुमाइए और ले जा करके आंवले वृक्ष के नीचे आपको इसको रख देना है, छोड़ कर आ जाना है, फेंक कर आ जाना है, और आपके घर की नेगेटिविटी ऊर्जा जो भी है वो दूर हो जाएगी, उस व्यक्ति का क्रोध बीमारी गुस्सा चिड़चिड़ापन ऐसी कोई भी चीज़ है वो जल्दी से जल्दी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आंवला नवमी के दिन ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए, साथ ही साथ मैं कुछ जानकारी इसमें ऐड करना चाहती हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आंवला नवमी के दिन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक और तीसरे उपाय की, इसके बाद अंत में मैं कुछ जानकारियां जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हमारा तीसरा उपाय जो है दोस्तों, वो भी आंवले वृक्ष के नीचे ही करना है, क्योंकि आंवला नवमी का दिन है तो सारे उपाय जो है वो आंवला वृक्ष के समीप ही होंगे, उसके नीचे ही आपको उसको करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, आंवला वृक्ष के नीचे, अगर आप व्रत रहते हैं तो भी, अगर आपने व्रत नहीं रखा है, आपने पूजन नहीं किया है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी करने में सक्षम ना हो, तभी भी आपको घर के आसपास जहां कहीं भी आंवले का वृक्ष, आपके घर में ही छोटा सा पौधा है, तब भी आपको आंवला वृक्ष के समीप बैठ करके, आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप ठीक से प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आज के दिन में सभी के घर पास में मोबाइल है और आपको अपने फ़ोन में ढूंढ करके कनक धारा स्रोत का, या तो आप हिंदी में भी निकाल सकते हैं या संस्कृत, उस पाठ को वहाँ आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके सुनना चाहिए दोस्तों। कनक धारा स्रोत का पाठ अगर आप आंवला नवमी के दिन
आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके सुनते हैं, बैठ करके आप कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर के, आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 3 उपाय आप सबके साथ शेयर किए और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी बहुत आपके लिए लाभदायक होगी। कुछ छोटी चीजें आपको बताना चाहूंगी, इस दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन आपको कुछ आंवलों का दान भी करना चाहिए, साथ ही साथ आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर के भोजन करना चाहिए, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये लाभदायक होती होगी। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं मिलूंगी फिर से नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।